लेवे कुड़िया बाबूजी मंदिर। दादाजी दादाजी ये तस्वीर तो हमारे स्कूल में भी है, इनके बारे में बताइए ना। बेटा ये तस्वीर है इंसानियत के प्रति समर्पित भावना की, देश के प्रति सच्ची निष्ठा की और दूरगामी सोच की। इस छोटे से डाक टिकट की एक लंबी कहानी है जो शुरू हुई तब जब हम आजाद नहीं थे। हरियाणा का जिला रोहतक और रोहतक का एक साधारण सा गांव सांगी, जहां श्रीमती माम कौर और चौधरी मातू राम के आंगन में कुछ दिनों में एक नए सदस्य का आगमन होना था। 26 नवंबर 1914 स्वतंत्रता संग्राम की इन तेज हवाओं में जन्म हुआ एक ओजस्वी बालक का। उस बालक का नाम रखा गया रणबीर सिंह। इनके पिता चौधरी मातूराम स्वयं आर्य समाजी, स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक थे। लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह से चौधरी मातूराम के पारिवारिक संबंध थे। किसान आंदोलन में दोनों ने मिलकर काम किया और उसको आगे बढ़ाया, जिसमें इन शाहजीत सिंह जी, चौधरी मातूराम जी और लाला लाजपत राय जी को जो है देश निकालने की सजा दी गई थी। जो चौधरी साहब की जो है, चौधरी मातूराम जी की बाद में सजा रद्द हो गई और शाहजीत सिंह जी बाहर चले गए, उनको देश निकाला मिल गया। तो हमारे पिछले जो है पिछले चार पीढ़ियों से संबंध है, आपस में पारिवारिक संबंध है। उस वक्त लाला लाजपत राय जी ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी खोली, वो पक्के आर्य समाजी थे और देशभक्त थे। उसमें चौधरी जी के पिताजी लाला जी के सहयोग में देशभक्ति की दौड़ में आगे चल पड़े। 1921 में श्री मातूराम जी ने गांधी जी को रोहतक आमंत्रित किया। लगभग 25,000 लोगों की सभा जुड़ी, जिसकी अध्यक्षता चौधरी मातूराम जी ने की। चौधरी रणबीर सिंह को देशभक्ति के संस्कार अपने पिताजी से विरासत में मिले थे। 5 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। उस वक्त जो है मुझको गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया और 4 जमात उर्दू की मैंने सांगी गांव में पास की। इसके बाद उन्हें भैंसवाल के गुरुकुल में आगे पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। उसके बाद फिर मैं वैस हाई स्कूल रोहतक में दाखिल हुआ। वैस हाई स्कूल की जो नींव रखी थी वो महात्मा गांधी ने स्वयं रखी थी। तो उसके बाद रोहतक में एक इंटरमीडिएट कॉलेज था, तो उसमें मैंने FSC मेडिकल ग्रुप पास किया। इसी बीच 1929 में बड़े भाई के साथ वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन देखने गए। वहां उनके बाल मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वहां से लौटने पर कहा, हम पूर्ण रूप से आजाद हो गए। शिक्षा यात्रा अब भी जारी थी। 1937 में दिल्ली के रामजस कॉलेज से BA पास किया। पढ़ाई के दौरान ही इनका विवाह सुश्री हरदेई जी से हो गया, जिन्होंने जीवन के हर सुख दुख में साथ दिया। जेल में जाते थे मैं तो अपने बच्चा ना कहनी बेटा तुम्हें पढ़ो, बच्चा की पढ़ाई में कमी रखी नहीं, खान की कमी रखी नहीं, महस रखा कर दी, कदे बच्चे दूध घी बिना तरसाए नहीं, बढ़िया लत्ते फिरांदे। मैं तो बेटी सारी उम्र वो अपने बच्चे सुख में रखे है और उनको समझाती, कोई बात नहीं बेटे, गांधी जी ने देख लेना था। मैं 5 मार्च 1941 महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और गांधी जी की नीतियों का प्रचार करने लगे। वे सही मायनों में धरती पुत्र थे, उन्होंने धरती से पहला सबक और आखिरी सबक लिया। जब गुरु और प्रेरणा की जरूरत पड़ी तो बापू महात्मा गांधी उनके समक्ष थे। वे उन्हें अपने गुरु तुल्य मानते थे, उनकी हर बात को अक्सर सह जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। हमारे परिवार में आकर के
गांधी जी की मूवमेंट के बारे में सारी बातें बताई और वहाँ गांधी जी की मूवमेंट को पूर्ण रूप से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। गांधी जी के आह्वान पर ही उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, फलस्वरूप जेल भेज दिए गए। चौधरी जी कई जेलों में रहे क्योंकि इन्होंने तो कोई मूवमेंट छोड़ी नहीं जिसमें ये देश के लिए न गए हों। पिता के देहांत के बाद अपना सर्वस्व अपने भाइयों के नाम कर ये पूरी तरह देश को समर्पित हो गए। कुल जमा 3.5 वर्ष तक चौधरी साहब ने सश्रम अंग्रेजों की जेल काटी और 2 वर्ष तक नजरबंद रहे। चौधरी रणबीर सिंह की आंखों में देश के सुनहरे भविष्य का सपना बसता था। 14 जुलाई 1947 को 33 वर्ष की आयु में चौधरी साहब ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। वे सदन के सबसे कम उम्र के सदस्य थे और जो उस समय का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश था उसमें इनके जैसे इंसान को उभर के संविधान सभा तक पहुंचना कोई एक आसान बात नहीं थी। और फिर 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत आजाद हो गया, देश में खुशी की लहर दौड़ गई। देश के करोड़ों लोगों की तरह चौधरी रणबीर सिंह जी का स्वप्न भी साकार हो गया। लेकिन देश का बंटवारा एक ऐसा कांटा था जिसकी चुभन इस खुशी को कम कर रही थी। दंगे भड़के हुए थे। लोगों को समझाने और पुनर्स्थापित करने में चौधरी साहब तन मन से जुट गए। उस वक्त जो दौड़ थी विस्थापितों को स्थापना करना और उनकी डिफिकल्टीज में उनको बसाना, उसमें 24 घंटे रणबीर सिंह जी और मेरे पिताजी होल हार्टेडली लड़ते देखा और सफलता पाते देखा। किस प्रकार से खरखौदा पर आक्रमण हुआ तो बाबूजी तुरंत अपने गाँव से भाग कर खरखौदा गए थे। वहाँ के लोगों को समझाया भी क्यों मारकाट में लगे हैं। तो उस समय इस हिंदुस्तान को, इस देश को संभालने की बहुत बड़ी जरूरत थी। ऐसे लोगों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश की धरती से मुसलमान भाइयों का चले जाना उन्हें गवारा नहीं हो रहा था। जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने लगा तो ये लोग पाकिस्तान जाने लगे, तो रणवीर सिंह ने जिस वक्त देखा कि मुसलमान पाकिस्तान निकले उसके दुख हुआ, तो उसने कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उनको बुला के लाता हूँ। तो महात्मा गांधी भी आए बुलाए से, यहाँ पौरे पूरी पब्लिक इकट्ठी हुई थी, जिला अलवर, जिला भरतपुर और ये हमारा जिला गुड़गांव के जितने मुसलमान हिंदू सब भाई थे इकट्ठे हो गए थे। और अगर रणवीर सिंह इस बात की देख रेख नहीं करते तो आज हम इस देश में नहीं रहते। आज रणवीर सिंह की ये देन है कि जो हम यहाँ बैठे हैं। 6 नवंबर 1948 देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में उनके हर शब्द में समाजोत्थान एवं ग्रामीणों का दर्द झलक रहा था। हमारा संविधान बना, उसका मसौदा लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ उनके विचार जानने के लिए। उसमें गांव का कहीं जिक्र तक नहीं था। चौधरी साहब और तकरीबन 40 और अन्य गांव से, कृषि से और गरीबों से जुड़े हुए लोग वे उस समय जो है आए और उन्होंने गांव की वकालत की, गरीब की वकालत की और सही मायने में हिंदुस्तान के जो संविधान की जो दस्तावेज बननी चाहिए थी वह दस्तावेज बनाई। जब संविधान सभा के अंदर कृषि क्षेत्र को लेकर जो बहस शुरू हुई और जब हिंदुस्तान के संविधान का गठन होना था क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य थे, तो उस वक़्त जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक कंसेप्ट होना चाहिए कि किसान को सरकार कम से कम ये वादा करे कि इससे कम भाव में उसकी उसका उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। किसानों की कर माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संविधान सभा में आवाज उठाना उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने में उनका सबसे बड़ा हाथ था।
जिस देश के अंदर पंचायती राज हो और लोगों की ख्वाहिश हो और लोगों की भाषा के अंदर काम करना ही होगा, तो बात सीधी है कि अगर हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से वो जोड़े रखना है तो उसके लिए हिंदी की तरक्की करना हमारे लिए नहायत जरूरी है। संविधान सभा में जब ये फैसला हो रहा था कि भाई कौन सी राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए, तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा बने वो केवल एक वोट से जीती थी। जो लास्ट मिनट पे बेल बजने के बाद जो अपने वॉशरूम में गए हुए थे ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर, जो उनके परम मित्र थे, उनको हाथ पकड़ के खींच के लाया कि भाई आप हिंदी भाषा के लिए वोट दो। नहीं तो शायद हो सकता था अगर ज्ञानी जी की वोट नहीं पड़ती तो ये आज हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा भी नहीं बनती। उनका एक्सपोजर बहुत बड़ा था, मिनिस्ट्रियल एक्सपोजर, पार्लियामेंटेरियन एक्सपोजर। ये नहीं कि वो अंग्रेजी जानते नहीं थे, ये नहीं कि वो अंग्रेजी लिख नहीं सकते थे, वॉज ए ग्रेजुएट ऑफ ओल्ड डी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, लेकिन क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, एक मातृभाषा के स्वरूप को अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए उन्होंने अपना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अपना स्वर का माध्यम हिंदी रखा और ये उनकी एक ग्रेटनेस का हिस्सा था। 1952 और 1957 में वो रोहतक से लोकसभा के लिए चुने गए। सन 1962 में संयुक्त पंजाब के लिए विधानसभा चुनाव हुए तो चौधरी रणबीर सिंह कलानौर हलके से भारी मतों से विजयी हुए। पंजाब मंत्रिमंडल में वो बिजली तथा सिंचाई विभाग के मंत्री बनाए गए। सिंचाई मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही भाखड़ा डैम का निर्माण करवाना। भाखड़ा का निर्माण में मतलब कंप्लीशन में उनका बड़ा भारी हाथ है। मैं छोटा सा था, मैं स्वयं उस मौके पर हाजिर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ भाखड़ा आए थे, उस समय मेरे पिताजी जो हैं वो सिंचाई मंत्री थे और देश को जो है समर्पित जो भाखड़ा डैम किया वो 22 अक्टूबर 1963 को किया था। उस समय उनकी देख रेख में ही निर्माण हुआ था और मेरे ख्याल में कोई हफ्ता जाता होगा जब वो स्वयं भाखड़ा पे नहीं जाते थे। इससे सिंचाई तथा बिजली की समस्या हल हुई। आज हजारों लाखों एकड़ जो आपको लहलहाते पंजाब और हरियाणा और क्षेत्रों में दिख रहे हैं वे उनके प्रयत्न का प्रताप, उनका फल है। अपने कार्यकाल में उन्होंने पांडव प्रोजेक्ट, रेणुका परियोजना, पोंग और किसाऊ बांध, व्यास सतलुज लिंक का निर्माण जैसी कई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की। अभी जो इस बात की चर्चा है, अभी एनडीसी की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी चर्चा दिल्ली ने भी उठाई, हमने भी उठाई, भाई किसाऊ डैम बनना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं यमुनानगर से लेकर जहाँ पे यहाँ जहाँ से उस ऊपर तक जो है वो पैदल किसाऊ डैम तक देख के गए और उनके समय में ये परियोजना जो है उसका खाका बना। चौधरी साहब पंजाब में ही लोक निर्माण विभाग में मंत्री रहे। इनके जीवन के राजनैतिक पक्ष और मानवीय पक्ष समानांतर रूप से महत्वपूर्ण रहे। जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, रोहतक आए हुए थे, तो चंडीगढ़ जब लौटने लगे तो उनके साथ उनके एक मित्र बैठ गए, तो रास्ते में उन्होंने बता दिया कि आपके महकमे के कर्मचारियों में इस तरह का रोष है, उनकी ये मांगे। सुनते रहे, बोले कुछ नहीं। शाम को खाने पर जब वो लौटे तो उन अपने मित्र को कहते हैं, तुमने मेरी चीफ मिनिस्टर से लड़ाई करवा दी। हंस के बोले, फिर बताया कि चंडीगढ़ उसमें मंत्रिमंडल में एजेंडे के ऊपर, मुख्यमंत्री तो चाहते थे कि एजेंडे पर चर्चा हो, और चॉइस आप बड़े हुए थे कि नहीं, पहले इन कर्मचारियों की ये मांग पूरी करो। पूरी करवा के जब मामला आगे बढ़ा, और ख़ास बात ये थी जो उनके राजनेता होते हुए भी उनके मानवीय पक्ष को जाहिर करता है कि ना उसका कोई प्रेस नोट जारी हुआ, ना उन कर्मचारियों को पता कि मंत्री महोदय ने पहले ही बिना फरियाद के तुम्हारे पक्ष में जाके खड़े। 1 नवंबर 1966 हरियाणा राज्य का उदय।
जिसकी आवश्यकता को वे 17 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तावित कर चुके थे। जब ये हरियाणा बना तो वो पंजाब में मंत्रिमंडल में मंत्री थे। जो हरियाणा को बनाने का प्रस्ताव जो रखा गया था वो एज मिनिस्टर उन्होंने वो प्रस्ताव रखा और मेजॉरिटी से पास हुआ और वो प्रस्ताव लेके इंदिरा जी के पास आए और इंदिरा जी ने उसके ऊपर उसके बाद हरियाणा बनाया। हरियाणा के अस्तित्व में आते ही मुख्यमंत्री के पद की कवायद शुरू हुई। जब हरियाणा अलग बना तो चीफ मिनिस्टर का चुनाव होना था, तो हमारे पास 3 बहुत अमीर आदमी आए, किशन काजी एमएलए बिकते 5,000 रुपए में और हम आपको पैसे देते, आप चीफ मिनिस्टर बनना था एमएलए अपने काबू करके होटल में रखो। बोले भाई ये काम मैं नहीं करूँगा, एंड यू विल सरप्राइज टू नो हम 2 वोट से डिफीट हो गए, लेकिन पैसे नहीं दिए। उसने नैतिकता नहीं खोई, चीफ मिनिस्ट्री खो दी। मोस्ट डिसिप्लिन, मोस्ट ऑनेस्ट और कभी पब्लिसिटी में फेथ नहीं करते। अब समय था हरियाणा के विकास का। लोक निर्माण विभाग में मंत्री पद संभालते ही उन्होंने सड़क निर्माण के साथ साथ उन सभी कामों को पूरा किया जो अब तक अधूरे रह गए थे। साधारण मानव का एक असाधारण व्यक्तित्व। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में चौधरी साहब 1972 से लेकर 1978 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। एक दिन मैं डिप्टी लीडर हो गया राज्यसभा का। मैं एक दिन बैठा था सेंट्रल हॉल में, इंदिरा गांधी मेरे पास आके बैठे। मैंने कहा बहन आपने बड़े बड़े काम किए, एक काम और कर। बोले क्या? मद्रास का एक एक्स एमपी अब एम्पीरियल है वो यहाँ आता है सेंट्रल हॉल, बैठ बैठ नहीं देखे, कोई चाय पिला दे, ये कोई अच्छी बात है? तो क्या करें? मैंने कहा आप जो है ये एक्स एमपी की पेंशन कर दो। कर दी तो एक्स एमपी की पेंशन मंजूर। निश्चल और निष्कपट भाव के सच्चे राजनीतिज्ञ थे, इसलिए स्वार्थपूर्ण राजनीति से उनका मन ऊब गया। अतः सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास लेने की बात कहकर सबको हैरान कर दिया। उस समय तो बहुत वैसा लग रहा था मेरे को भाई, बाद में मेरे को समझ में आई कि भाई हर चीज़ का अपना होता है, उनकी सोच थी। उन्होंने कहा कि भाई देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हम और देश आज़ाद हो गया, हाँ ये बात ठीक है, जो सपना हमने देखा था वो अभी कार्य पूरे नहीं हुए हैं, समय लगेगा, लेकिन जो राजनीति जिस प्रकार उभर रही थी वो शायद उनको अच्छी नहीं लग रही थी। चीज़ें कुछ ऐसी थी जिसका राजनीतिक कहिए ख़राश हुआ, ये सब चीज़ उनके आत्मा को कटोचती थी। और जब राजनीति पेशा बन गई वो हावी हो जाती है ह्यूमन वैल्यूज पर, इसमें उनका संघर्ष अद्वितीय था। वो अपने जो मानवीय मूल्य थे उनको बचा पाए, ये उनकी खासियत थी। अब वे सामाजिक गतिविधियों जैसे हरिजन समाज संघ, पिछड़ा वर्ग संघ, भारत सेवक समाज, भारत कृषक समाज संगठन में काफी रुचि लेने लगे थे। बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति सुधारने के लिए वे स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष बने। चौधरी साहब ने श्री शील भद्र याजी और प्रोफेसर एनजी रंगा के साथ मिलकर निरंतर स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं का निराकरण किया। 72 में इंदिरा गांधी से मिलके शील भद्र याजी ने कहा कि देखो ये जो जेल गए हैं स्वाधीनता सेनानी है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। चौधरी रणवीर सिंह ना होते तो ये संगठन इतना जोर नहीं होता, नहीं होता उतना डेडिकेशन जो था ये कब कम आदमी का होता है। इसलिए जो भी कोई काम पड़ता था तो वो बिना भेदभाव के भी ये कौन है कौन नहीं है वो ये जानते थे भी इसको ज़रूरत है तो वो करते। यानी मेरे अंदाजे के हिसाब से कई हज़ार लोगों की इन्होंने मदद की है। सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के ही नहीं, जो अति गरीब
तबके के लोग भी आते थे, अपनी समस्या बताते थे, जो कुछ बनता था उसको आर्थिक रूप से मदद करते थे। सन 1980 में इस पेंशन योजना को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन का नया रूप दिलवाया। चौधरी रणवीर सिंह का राजनैतिक और सामाजिक जीवन बहुत ही सफल रहा और इसका आधार था उनकी व्यवहारिक सोच और हर कार्य को एक कर्तव्य की तरह पूरा करने की भावना। जब आप उनसे बातचीत करती तो उनका व्यक्तित्व पूरे निखर के सामने आता था। निडर थे, निर्भय थे, निसंकोच बात करते थे। उन्होंने अपने परिवार को संस्कारों से सींचा, हर छोटे बड़े के प्रति प्रेम और सत्कार का भाव अपने परिवार को भी दिया। आंखों से दिखना कम हो गया था, सुनना भी कम हो गया था, तो जब मैं जाकर कहता बाबूजी, वो मेरी आवाज पहचान लेते थे और कहते थे आओ बेटा यहाँ बैठ जाओ, पास बैठा लेते थे। एक वो छोटा सा ट्रांजिस्टर रखते थे, उसकी न्यूज़ वगैरह सुनते रहते थे और बीच बीच में कहते रहते थे कुछ खिलाया, कुछ पानी पिलाया, कुछ चाय पिलाई, उनकी कदर देखी, उनकी मेहरबानी देखी। उन्होंने अपने परिवार को अनुशासन के साथ जीना सिखाया, पर उनके अनुशासित करने का तरीका अद्वितीय था। तो सिगरेट बहुत पीता था मैं, दिन में 30-32 सिगरेट पीता था। मुख्यमंत्री बना उसके बाद मैं एक दिन यहाँ से चंडीगढ़ जा रहा था दिल्ली से, तो गाड़ी में बैठा हुआ सैर करके आ रहे थे मेरे, उन्होंने कहा भाई बात सुन मेरी, मैं हाँ जी भाई तू सिगरेट छोड़ दे नहीं तो मैं जो है सत्याग्रह कर दूंगा, क्योंकि वो गांधीवादी थे और मेरे को इतनी असर करी वो बात कि मैंने उसके बाद आज तक सिगरेट के मुंह नहीं लगाया। चौधरी साहब का मानना था कि समूचे विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। देश के विकास में स्त्री की भूमिका के महत्व को समझते हुए उन्होंने स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। शिक्षा के लिए वो सबसे पहले कहते थे बस जहाँ लड़की एजुकेशन होगी वहाँ दो परिवार समझेंगे, और जो है ना उनकी खुद की बहन भी हेडमास्टर ने रिटायर हुई है। औरत की शिक्षा के मामले में जो उनकी सोच 50 साल पहले थी ना, वो आज नेसेसिटी हो रही है। वहीं उन्होंने परिवार में भी स्त्रियों को सम्मान और समानता का दर्जा दिया। मैं घूंघट निकाल के ही आई थी शादी में मेरे, तो बोले नहीं घूंघट नहीं निकालेगी प्रेम, मेरी बेटी जैसी है ये कभी नहीं घूंघट निकालेगी, कभी भी नहीं निकलवाया उन्होंने हमारे से किसी से भी, बल्कि बेटों से ज़्यादा हमें प्यार करते थे। पाऊ जी के पर्सनैलिटी से हमने सीखा कि आधुनिकता विचारों में, आधुनिकता समय के साथ चल के प्रोग्रेस करने में, तरक्की करने में होती है, और अपना हरियाणवी खादी का साफा पहन के बाबूजी में वो आधुनिकता थी जो मैं आज कल के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों में भी नहीं देखती। वो अपने अंतिम वर्षों में क्या करते थे कि अपनी पेंशन जैसे ही उनकी बैंक के अंदर 1 लाख हो जाती थी तो 1 लाख पेंशन निकाल के अपनी एक पोती के नाम कर देते थे, और 6 पोतियाँ थी तो रोटेट करके अभी इसकी अभी इसकी अभी इसकी, और वो मेरी ड्यूटी लगती थी कि भाई उनके बैंक में करके वो जो चेक वगैरह देना। तो जब भी मेरे को मिलते थे अंतिम वर्षों में पहला प्रश्न यही पूछते थे कि भाई आपने पेंशन कर निकाल के अपनी उस बहन को दे दी कि नहीं। चौधरी साहब आडंबर और कुप्रथाओं के खिलाफ थे। 5 भाइयों की और भी उनके पोता पोतियों की भी शादी हुई तो वो कभी 25 से फालतू शादी में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा अगर 25 से फालतू करते हो तो मैं शादी में नहीं जाऊंगा। एक दफ़ा जो है मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी थी, वहां उनको निमंत्रित किया और हम जो है ना बड़े से जो अपना बुजुर्ग है सीनियर उससे विदा करवाते हैं। मेरे बड़े भाई ने कहा अगर जी आप लड़की को की विदाई करोगे, तो उनने लिस्ट बना के दे दी। अब भाई 1100 रुपये दान के 1100 वितरण, बोले भाई हरिचंद मैं 1100 रुपये नहीं, तो मेरे असूल खिलाफ है, इसलिए जो है ना तू यूँ कर और किसी से करवा लेना जी, हम तो आपसे करवाएंगे। तो बोला भाई मैं अपने असूल नहीं तोड़ूंगा। तो जो है ना कुप्रथा के खिलाफ तो वो सबसे अग्रणी रहे। उनका संयम और कर्म प्रधान जीवन पूरे परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनकी पत्नी
श्रीमती हरदेई हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। तभी ये परिवार हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का भी एक आदर्श परिवार है। जो कुछ हम वो बाबूजी की सोच की वजह से ही है, ये पूरे इलाके में अगर आप देखोगे तो हमारे जैसा सभी परिवार, इसमें कोई बड़ाई करने की बात नहीं, सिर्फ बाबूजी की देन है। और वे अपने परिवार की ही तरह पूरे देश में अखंडता बनाए रखना चाहते थे। इनके अप्रतिम योगदान के लिए इन्हें ताम्र पत्र और बहुत से सम्मानों से नवाजा गया। एक फरवरी सन 2009 इस महामानव ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। ग्रामीण अंचल का सूर्य अस्त हो गया। देश के महानायक को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। In his demise, the country has lost a fearless freedom fighter, an ardent Gandhian, a visionary, and a distinguished parliamentarian. Chaudhary Ranbir Singh Ji passed away. We deeply mourn the loss of these friends, and I'm sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved family. The House may now stand for in silence for a while as a mark of respect to the memory of the departed. यूं तो हजारों वर्ष से है आदमी का वजूद, यूं तो हजारों वर्ष से है आदमी का वजूद, मगर आंख आज भी तरसती है आदमी की। तो यही बात है चौधरी रणवीर सिंह की। उनकी अस्थियां भाखड़ा और हथनी कुंड बैराज के जल में विसर्जित की गईं। आज भी वे भारत के खेतों में हरियाली और खुशहाली के रूप में अपने देशवासियों के साथ हैं। चौधरी रणबीर सिंह को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान देते हुए 1 फरवरी 2011 को उनका डाक टिकट जारी किया। जीवन भर वे देश में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते रहे और आज भी उनकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। हम लोगों ने अपनी लाइफ शुरू की देश की या गुलामी को हटाने के लिए, अब देश आजाद हो गया। तो मैं एक ही बात कहता हूँ नौजवानों से कि देखो भाई, अब तुम्हारे जिम्मे है, हमने आज़ाद देश तुम्हारे हवाले किया, इसकी आज़ादी को कोई खतरा ना। हमने सेकुलर समाज बनाने का फैसला किया तो सेकुलरिज्म टूटने नहीं पाया, ये फिरका परस्ती आगे ना जाए। गरीब हो अमीर हो, गुर्बत को हटाने के लिए हम कोशिश करें देश से गुर्बत मिटे, लेकिन आपस का सच है। अगर हम चौधरी साहब के दिखाए पथ पर आगे बढ़ें, उनके कार्यों को पूरा करें, तो यही होगी एक सच्चे देशभक्त के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि।